ओके गाइस, तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में ये हम एडमिन डैशबोर्ड को बना चुके हैं, तो आर प्रोडक्ट आर कैटेगरी व्यू प्रोडक्ट जैसे सिंपल ये एडमिन डैशबोर्ड बना लिए राइट। तो ये वीडियो ने देखा था, चेकआउट कर लेना लास्ट वाला वीडियो। तो आज के वीडियो में जो बनाने वाले, तो जैसे कि आर प्रोडक्ट जैसे मैं क्लिक करूँगा, आर पेज खोलने चाहिए इसी प्रोडक्ट को आर करने के लिए। आपको मैं दिखा रहा था एग्जाम्पल, तो आर प्रोडक्ट जैसे मैं क्लिक करूँ, इस तरह एक पेज खोलना चाहिए, फॉर्म होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी क्या रहने वाला है, प्राइस एंड स्टॉक एंड इमेजेस के लिए एक फील्ड लेंगे एंड सबमिट बटन। ओके, नेक्स्ट जो रहने वाला है कैटेगरी बना पेज बनाएंगे, कैटेगरी देंगे हम, जैसे कि कैटेगरी क्या रहने वाला है इमेजेस के साथ, राइट साइड में उसका इस तरह एक ना बॉक्स है ना, कौन सा कैटेगरी ऐड हुआ है इसको दिखाएंगे। ओके, इस तरह दो अभी बिना प्रोडक्ट और कैटेगरी ऐड करेंगे, दो फॉर्म बनाएंगे, दो फील्ड, दो पेजेस बनाएंगे। ओके, तो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। सिंपल आ जाएंगे अभी, जैसे कि मैंने जो बनाएंगे तो एडमिन के अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर बनाएंगे दो पेजेस। अभी फर्स्ट बनाएंगे एक HTML पेज लेंगे, HTML आर प्रोडक्ट और हुआ कैटेगरी HTML, दो बन चुका है राइट। तो उसको मैपिंग करेंगे, एडमिन कंट्रोल में आ जाएंगे, दो मैपिंग गेट मैपिंग आ जाएंगे, तो एडमिन कंट्रोल में दो मैपिंग बनाएंगे। तो फर्स्ट बनेगा आर प्रोडक्ट, लोड आर प्रोडक्ट, मतलब लोड होगा आर प्रोडक्ट पेज, तो देंगे इसका मैपिंग होगा लोड आर प्रोडक्ट। तो तब जैसे कि ये वाला मैपिंग होगा तब दिखाएंगे, तो आर प्रोडक्ट पेज। सेकेंड जो है कैटेगरी, तो एक पेज में दोनों बना लेंगे, तो इसलिए कैटेगरी, तो आ जाएंगे इंडेक्स एंड यहाँ दे देंगे कैटेगरी लोड का राइट। तो ये मैपिंग मेरा बन चुका है, तभी आ जाएंगे जैसे कि इंडेक्स पेज में आ जाएंगे, इंडेक्स पेज में हाइपर रेफरेंस जो था यहाँ पर, तो लोड कैटेगरी होगा, ये वाला नहीं, ये वाला कैटेगरी के लिए कैटेगरी मैपिंग होगा, दैट मीन्स स्लैश एडमिन के बाद कैटेगरी लोड होगा मेरा। सेकेंड जो है ये वाला स्लैश एडमिन लोड आर पटोगो आर प्रोडक्ट, लोड आर प्रोडक्ट, ओके डन। तभी आ जाएंगे सिंपल, जैसे कि मैंने अभी लोड मैपिंग हो चुका है, अभी दोनों पेज को डिजाइन करेंगे, तो आर प्रोडक्ट पेज में आ जाएंगे। ओके, सिंपल यहाँ पर उसको फर्स्ट टॉप में जो है रिप्लेस, जैसे कि टी फ्रैगमेंट का जो लॉजिक हम यूज़ करेंगे थैमलिप का, तो इंडिया स्पेस से कॉपी कर लेंगे, तो ये वाला है जो है इसको कॉपी कर लेंगे, एचटीएमएल पेज से कॉपी का पेस्ट, डन कैटेगरी पेज में दे देंगे। ओके डन कंप्लीटेड, इसके डी में फर्स्ट यहाँ पर एक सेक्शन यूज करेंगे, सेक्शन टैग की वैल्यू पास करेंगे, सेक्शन देन डीप क्लास कंटेनर डीप क्लास रो। ओके, तो मैं कैटेगरी में कर रहा हूँ, सेम हमको करना है आर प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको पेस्ट कर दूंगा राइट। रो हो चुका है, रो उसके बाद जैसे कि हम बनाएंगे डीप क्लास कूल एम डी लेंगे, कूल एम डी एट ऑफसेट एम डी टू डीप क्लास कार्ड डीप क्लास कार्ड बडी। ओके डन, उसके बाद जैसे कि कार्ड जो हेडर के अंदर हम आर प्रोडक्ट दिखाएंगे राइट, डीव एक ले लेंगे जो क्लास का हेडर होगा कार्ड, कर देंगे टेक्स्ट सेंटर, कर देंगे टेक्स्ट सेंटर एफ एस फोर देन आर प्रोडक्ट डन, बडी आ जाएंगे, बडी के अंदर डिफाइन करेंगे, तो फॉर्म फॉर्म टैग होगा। ओके, तो डिव, तो जैसे कि ये बूस्टर भी क्लास है, सिंपल कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। अगर मैं उसके लिए आपके लिए लेके भी आऊँगा, तो बूस्टर की ट्यूटोरियल वन इन वन वीडियो में कैसे हम सब कुछ सीख लेंगे। तो उसके कॉल डिफाइन करेंगे, नहीं कॉल नहीं, सिंपल मार्जिन बॉटम थ्री कैसे बनाएंगे कुछ चेकआउट कर लेंगे, जैसे देख लेंगे, जैसे एक फील्ड होगा डिस्क्रिप्शन होगा राइट, तो लेवल देन एंटर
इनपुट टाइप टेस्ट नेम टाइटल क्लास फॉर्म कंट्रोल रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। हाँ बटन में क्लिक करूँगा अभी सही दिख रहा है राइट। तो अभी मार्जिन टॉप यहाँ पर जो कंटेनर है पैडिंग 5 दे देते हैं। ओके पैडिंग 5 तो अभी रिफ्रेश कर लेंगे अभी सही दिख रहा है राइट। तो पैडिंग 5 आ चुका है बट उसको मार्जिन टॉप भी देना है, मार्जिन टॉप 3 दे देंगे सही दिख रहा है अभी राइट। तो उसका जैसे कि तो ओके उसका हाँ ये वाला कर देंगे 6, इतना बड़ा नहीं करेंगे छोटा जैसे कि 18 दिखनी चाहिए राइट। तो ये 18 दिख रहा है अभी से चारों तरफ जैसे कि पैडिंग से दे देंगे। मैंने बताया था आपको एक मैंने सी एस एस यूज़ करा कार्ड शैडो से मैंने ऐड किया था स्टाइल डॉट सी एस एस में ये वाला राइट। तो इसी हो जाएगा ऐड हो जाएगा राइट। अभी सही दिख रहा है। टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन किस्म ये टेक्स्ट एरिया लेंगे हम टेक्स्ट एरिया और कॉलम 3 क्लास फॉर्म कंट्रोल राइट। अब सही दिख रहा है राइट। उसके नेक्स्ट क्या है ना कैटेगरी, कैटेगरी की है क्या ड्रॉप डाउन होगा राइट। इसको बताएंगे जैसे सिलेक्ट कैटेगरी क्लास फॉर्म कंट्रोल ऑप्शन सिंपल। अभी डेमो के ले रहे हो डायनेमिक होने चाहिए होगा राइट। तो हम इसका भी डेमो ले लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ये हो चुका है। नेक्स्ट क्या है ना एंटर प्राइस एंड स्टॉक इमेज ये वाला फील्ड को कॉपी कर लेंगे या एंटरप्राइज नेम कुछ भी रख देते बाद में चेंजेस कर लेंगे। टेम टेस्ट ये प्राइस हो गया। देन अभी एक फील्ड में दो रो दैट मीन्स एक रो में दो फील्ड होने चाहिए राइट। तो उसको हम क्या करें कॉलम में डिवाइड कर लेंगे। तो डिफ क्लास कॉल फर्स्ट रो डिफाइन करेंगे रो उसके दो कॉलम बनेगा डिफ इसको ही कॉपी कर लेंगे इसी वाला फील्ड को प्राइस को राइट। इसको फास्ट वाला जो है इसको कर देंगे कॉल कलम सेकंड को भी कर देंगे कलम राइट। एक ही रो में दो कलम बन जाएगा। एंटर स्टॉक या स्टॉक इतना स्टॉक है एंड अपलोड फाइल इमेजेस इमेज अपलोड होगा राइट। डन ये टाइप को कर देंगे फाइल आके रिफ्रेश कर लेंगे एक बार अभी सही दिख रहा है राइट। तो कंप्लीट हो चुका है। देन लास्ट में क्या है ना बटन एक रहेगा सबमिट बटन। तो अभी आ जाएंगे लास्ट में क्या है ना एक बटन डिफाइन करेंगे बटन क्लास बीटीएन बीटीएन प्राइमरी कूल एमडी 12 सबमिट सबमिट राइट। डन आर्ट प्रोडक्ट पेज बन चुका है। टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी प्राइस स्टॉक एंड अपलोड इमेज सबमिट इसे क्लिक करूंगा तो ये सबमिट बन जाएगा। ओके नेक्स्ट जो बनाएंगे अनदर एक पेज बनाएंगे कैटेगरी के लिए। ओके तो कैटेगरी क्या है ना टाइटल एंटर जैसे करेंगे एंड इमेज देने के बाद आर्ट इसे क्लिक करूंगा यहाँ पर लोड होगा। तो मतलब दो दैट मीन्स क्या है एक कंटेनर है कंटेनर के अंदर एक रो है रो के अंदर दो ग्रिड बनेगा राइट। फर्स्ट ग्रिड जो बनेगा 4 एंड रिमेनिंग जो ग्रिड रहेगा 8 टोटल ग्रिड होता है 12 ग्रिड। 12 ग्रिड को मैं दो में डिवाइड करूंगा राइट। तो एक 4 में होगा एक 8 में होगा राइट। तो भी एक बना लेंगे तो कैटेगरी के लिए तो रो बन चुका है यहाँ पे मैं बनाया था कॉपी पेस्ट किया था। देन डिफ
क्लास कार्ड नहीं सर, फर्स्ट कोल एम डी फोर राइट, इसमें तो बनेगा नहीं, नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा एट एट गेट क्लास राइट। तो फोर एंड एट, फोर में क्या है ना फॉर्म टैग बनेगा, फॉर्म टैग में फर्स्ट जो है फॉर्म बनेगा, इसी का भी ये करा देते इसको क्लास मार्जिन बटन थ्री एंटर कैटेगरी राइट। तो लेवल वन जो बन गया, तो उसके बाद इनपुट टाइप टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल। तो गाइस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत ईजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से करके दिखाऊंगा, आपको इजीली समझ में आए राइट। हम इतना कोई डिफिकल्ट नहीं करेंगे जिससे आपको नहीं समझ पाएगा राइट, इसलिए मैं बहुत इजीली एक एक करके टाइप कर रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो गाइस अभी तो पता है जैसे कि चार जीपीटी वगैरह आ चुका है, बस उसको कॉपी पेस्ट करके हम दे सकते, बहुत अट्रैक्टिव दे सकते, नहीं मैं आपको मेरा लॉजिक क्या है, आपको सिखाना है सीखना है। तो जैसे कि आप जब सीख जाओगे देन चार जीपीटी वगैरह यूज करो, देन आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो ओके। बट मैं यहाँ पर कोई चार जीपीटी वगैरह यूज नहीं करूँगा, सिंपल जितना इजीली होगा मैं खुद टाइप करके आपको दिखाऊंगा जैसे कि आपको समझ में आए सब कुछ राइट। तो अपलोड इमेज ये बन जाएगा फाइल, एक बार आ जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे, पीछे आ जाएंगे वन स्टेप बैक आर्ट कैटेगरी, सही दिख रहा है बट अभी क्या है ना तो थोड़ा चेंज करना है। पैडिंग फाइव दे देंगे, मार्जिन टॉप दे देंगे थ्री, आने पर रो रो के नीचे पी टैग यूज करेंगे, नहीं ये कुछ पी टैग यूज की जरूरत ही नहीं, अरे अभी रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, अब सही दिख रहा है राइट। तो इसको क्या करें कार्ड के अंदर रखेंगे राइट, इसको बना लेंगे कार्ड, कार्ड मैंने बनाने भूल गया था, तो जो डिव क्लास कार्ड डिव क्लास कार्ड हेडर से कि टेक्स्ट एंटर कर देंगे टेक्स्ट सेंटर में होगा आर कैटेगरी राइट। सो इफेक्ट देंगे फाइव नहीं या फोर दे देंगे कार्ड बॉडी राइट अभी सही दिख रहा है बट इसको क्या है ना थोड़ा जैसे कि इस तरह देख ओके। तब जिसके टॉप में इस तरह एक मार्जिन दे देंगे, तो अभी आ जाएंगे इसे मार्जिन टॉप फाइव राइट, देन उसके बाद रिफ्रेश करेंगे एक बार जैसे दिखता है राइट सही दिख रहा है। उसको क्या करेंगे फुल कंटेनर फील्ड लेंगे, तो फुल स्क्रीन लेने में मेरे को जरूरत है, तो आ जाएंगे कैटेगरी कंटेनर फ्लूइड, इसका डिफाइन करेंगे कंटेनर फ्लूइड फ्लूइड राइट, तभी मेरा फुल स्क्रीन बन जाएगा ओके। कैटेगरी बन चुका है राइट, इसको मीन्स क्या है ठीक है सही है। तो मैं इसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज देंगे या समथिंग देंगे थ्री कर देंगे, अब सही दिखेगा राइट देखे सही। तो उसके बाद इसको जैसे शेडो दे देंगे कार्ड के तरफ चारों तरफ कार्ड कार्ड शेडो, अब सही दिख रहा है राइट। राइट साइड में टेबल बनाएंगे, टेबल के लिए टेबल आ जाएंगे जैसे कि बूटस्ट्रैप की साइड से कॉपी कर लेंगे बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप साइड से हम कॉपी करेंगे अभी ओके। तो यहाँ पर हम जैसे कि हम सर्च करेंगे नहीं डाइट अकाउंट्स में आएंगे सर्च करेंगे टेबल ओके। तो फर्स्ट वाला जो टेबल है उसको कॉपी कर लेंगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं राइट सटन। तो आ जाएंगे उसके बाद कैटेगरी जो है हमारा जो सेकेंड जो ग्रिड है एट ग्रिड है, उसको क्या करेंगे डीप कार्ड में फर्स्ट कार्ड डिफाइन करेंगे डीप क्लास कार्ड, सेकेंड जो है डीप कार्ड बॉडी क्लास कार्ड बॉडी ओके, देन उसके बाद टेबल को पेस्ट कर देंगे डन। उसके बाद कार्ड चार शैडो देने कार्ड हाइफन शैडो ओके, कार्ड शैडो हो चुका है राइट। उसके बाद जैसे कि ये टेबल है तो ऐसे टॉप में क्या करेंगे उसको कार्ड डिफाइन कर दें डिफ कार्ड हेडर
ये बनेगा टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट सेंटर आर एफ एस फोर कर देंगे, देन ये होगा व्यू कैटेगरी सिंपल। तो सिंपल कैटेगरी डिटेल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी डिटेल्स लिख देंगे, कैटेगरी डिटेल्स का ओके। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कैटेगरी नेम, सिंपल कैटेगरी रखेंगे। उसके बाद रखेंगे इसको इमेजेस, इमेजेस एक्शन रखेंगे इसे एडिट डिलीट करने के लिए, और जो होगा फास्ट वाला जो होगा तो उसको देते हैं आईडी, दे देंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। तो फोर फील्ड बनेगा, तो फोर फील्ड बन गया, तो टोटल फोर फील्ड है। ये जो रिमेनिंग जो है टेबल लोग रिमूव कर देंगे यहाँ से, एक बार आके रिफ्रेश कर लेंगे। ओके ये आई थिंक सेव हो चुका है, हाँ ओके सही दिख रहा है, कैटेगरी डिटेल्स आ चुका है, सीरियल नंबर कैटेगरी इमेजेस एंड एक्शन राइट, दैट मीन्स क्या है एडिट डिलीट के लिए। तो अभी सक्सेसफुली मेरा कंप्लीट हो चुका है कैटेगरी मॉड्यूल। तो अभी ये जैसे कि तो गाइस आज के वीडियो में जैसे कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिसके आप प्रोडक्ट को ऐड करने वाला ये मॉड्यूल एंड सेकेंड जो है कैटेगरी ऐड करना। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बैकएंड कोड लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे, तो कैटेगरी पहले ऐड करेंगे उसके बाद प्रोडक्ट को ऐड करेंगे ओके। दैट मीन उसके बाद व्यू प्रोडक्ट का इंप्लीमेंट करेंगे, व्यू प्रोडक्ट होने के बाद देन जैसे कि जो यूज़र जैसे कि ऑर्डर कर सकता है, तो यूज़र को मैनेज करने के लिए देन हम उसके बाद रजिस्ट्रेशन लॉगिन मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करेंगे, लॉजिक बैकएंड स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करेंगे, एंड उसके बाद देन जैसे कि हम पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सब कुछ यूज करने वाले ओके। तो गाइस सिंपल क्या है ना, एडमिन एक ही है, तो उसके लिए हम कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जरूरत नहीं, तो इसलिए मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी लॉगिन रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट नहीं किया, पहले जो मेन मॉड्यूल था उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, विदाउट लॉगिन से भी जो हो सकता है। तो एडमिन क्या है ना, एक बार हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर देंगे देन इंप्लीमेंट कर देंगे, देन क्या है ना एडमिन लॉगिन करने के बाद पढ़ाकर काम कर सकता है, ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट सब कुछ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसका बैकएंड का लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे ओके। सो गाइस आई होप आज के वीडियो में जो मैंने सिखाया कुछ हेल्पफुल, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो को आपको अपडेट मिलता रहे। और गाइस ये जो कोड है फुल्ली आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन देकर दे दूंगा रिपोर्टरी का लिंक, सो डोंट वरी आपको सब कुछ मिलेगा स्टेप बाय स्टेप, मैं ब्रांच बना के दे दूंगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।